हे गाइस, विनीत हियर एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं कलोन में हूँ, जर्मनी में, और दो दिन से बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन आज सन निकला हुआ है और मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने के लिए। फिर भी ठंड है, 10 डिग्रीज टेम्परेचर है यहाँ पे, क्योंकि दिसंबर का मौसम है तो 10 डिग्रीज टेम्परेचर है, लेकिन हम लोग बाहर जाके देखेंगे। मैं एक पार्क जाना चाहता हूँ और वहाँ पे एक आर्ट गैलरी है, वहाँ पे जाके मैं थोड़े से फोटोग्राफ्स देखना चाहता हूँ। ऐसा फोटोग्राफर पसंद है कि थोड़ा आर्ट की पिक्चर्स देखूँ तो थोड़ा इंस्पिरेशन मिलती है। लेकिन उससे पहले हम लोग निकलेंगे अब यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ सन कितना अच्छा दिख रहा है बाहर का। तो देखिए, ब्लू स्काई है, सो ब्लू स्काई में हम लोग निकलेंगे, देखेंगे और चलते हैं हम लोग बाहर। तो बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ी ठंड है। 10 डिग्री होने के बावजूद भी ठंड काफ़ी लग रही है और थोड़ा विंडी है, लेकिन हम लोग देखेंगे अब मेट्रो और जो पार्क है, मैं जहाँ पार्क में जा रहा हूँ वहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसा रहेगा। फाइनली हम लोग है अभी मेट्रो के अंदर और मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी एक पार्क में, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसा क्या होगा। और मेट्रो काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, पूरा जो क्लोन सिटी है इसने, इसमें मतलब आपको जहाँ भी जाना आप मेट्रो से आराम से जा सकते हैं। व्यू भी काफ़ी अच्छा है, मेट्रो भी काफ़ी अच्छी है, मुंबई मेट्रो ही जैसी है। मुंबई मेट्रो भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे जब मैं गया था, तो लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे वैसे मुझे भी अच्छे से नहीं पता, लेकिन जितना मैंने सुना है उस हिसाब से मुझे जर्मनी में एक पॉइंट अच्छा लगा जो इंडिया में भी करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, उन्हें कुछ 300 यूरो देना है, जो जर्मनी के हिसाब से ठीक है पैसा। आप 300 यूरो देते हैं और आपको 6 मंथ के लिए मेट्रो एंड बाइसिकल, जो यहाँ पे बाइसिकल काफ़ी चलती है जैसे पीछे है, तो वो 6 मंथ के लिए 300 यूरो में फ्री है। पता नहीं स्कूल के बच्चों का तो नहीं पता, लेकिन जो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट, तो आपको काफ़ी सुविधा देती है गवर्नमेंट, तो ये अच्छा है क्योंकि कॉलेज टाइम पे इतने पैसे नहीं होते जो मैंने भी देखा हूँ, तो ये अच्छी एक अच्छा लगा एक मेथड। सो कलून में जो टिकट ट्रेन्स है उसके अंदर भी एक टिकट वेंडिंग मशीन दी हुई है, तो आपको ये नहीं करना है कि आप भूल गए और आप लेट हो गए, ट्रेन की टिकट नहीं ले पाओगे, तो आपको ट्रेन नहीं मिस होगी। आप अंदर आके भी ट्रेन के टिकट ले सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जैसे दिल्ली और मुंबई में होता है कि पहले आपको टिकट लेना है और फिर जो छोटा सा कॉइन आता है उसको डालने के बाद आप डोर ओपन करके मेट्रो तक जा सकते हैं, वैसा नहीं है। आप यहाँ पर टिकट ले सकते हैं और डायरेक्टली मेट्रो पकड़ सकते हैं, तो वही मुंबई के BST टाइप है कि कभी अगर कोई चेकिंग करने आए तो आपको है आई थिंक 60 यूरो का जुर्माना अगर आपके पास टिकट नहीं हुई तो। तो गाइस, मैं अभी आया हूँ एक पार्क में जो कलोन का बड़ा पार्क है,
और चलो देखते हैं यहाँ पे कैसा है पार्क, क्योंकि काफ़ी फेमस भी है यहाँ पे। तो अभी हम लोग मेट्रो से उतरे हैं और अब हम लोग पार्क के अंदर जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे, चिड़िया की आवाज़ काफ़ी अच्छी आ रही है, काफ़ी यहाँ पे पैरट्स भी काफ़ी है और यहाँ पे एक लेक भी है वो, और स्लिपरी भी है। यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है और ये पार्क काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन ऑटम जो सीज़न होता है यहाँ पे, जहाँ पे जिसे हम लोग हिंदी में पतझड़ बोलते हैं, वो जा चुका है। और आई थिंक जब पतझड़ का मौसम आता है तो काफ़ी अच्छा होता होगा दिखने के लिए, सीनरी अच्छी होती होगी फ़ोटोज़ के लिए, ये प्लेस काफ़ी खूबसूरत होगी मैं ये देख सकता हूँ। लेकिन अभी काफ़ी रेन हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत है। सो द गाइस, पार्क काफ़ी बड़ा था और अभी हम लोग जस्ट पार्क से आए हैं। अब हम लोग आगे के लिए निकल रहे हैं क्योंकि मुझे जो आर्ट गैलरी है वहाँ पे जाना है। और बस यहाँ पे सनसेट हो जाता है 4 बजे शाम के और 5 बजे तक काफ़ी अंधेरा हो जाता है। तो अभी 2 या 3 बज रहे हैं तो सनसेट के लिए अभी होने ही वाला है सनसेट, तो देखते हैं। मैं भी थोड़ी देर पहले क्रिसमस मार्केट से भी आया था, काफ़ी ठंड है यहाँ पे। लेकिन अभी जो आज संडे है तो संडे में आज काफ़ी भीड़ है क्रिसमस मार्केट तरफ भी, और अभी मैं जा रहा हूँ गैलरी में। सो मैं भी हूँ यहाँ पे आर्ट गैलरी में कलून में, और ये फोटोग्राफर एक है क्यूबा से, उसका आर्ट है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है तो मैं यहाँ पे मज़े लेता हूँ। तो पहले मैं अभी आर्ट देखना चाहूँगा आज। सो गाइस, जस्ट मैं आया हूँ अभी आर्ट गैलरी से, काफ़ी अच्छे आर्ट भी थे वहाँ पे और फोटोग्राफी के भी थे, थोड़ा सा क्यूबन जो स्टाइल थी, क्यूबा की जो फ़ोटोज़ क्लिक करते और थोड़ा सा सीरिया की थी, तो अच्छा था आर्ट, थोड़ा सा आर्ट फोटोग्राफी के लिए। कभी कभी म्यूज़ियम जाना चाहिए क्योंकि आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, इंस्पिरेशन मिल सकती है। मैं मुंबई में भी काफ़ी बार म्यूज़ियम गया हूँ, हम लोग के जब मैं फ़ोटोग्राफी कॉलेज में था तब हमें म्यूज़ियम लेके जाते थे ताकि म्यूज़ियम में हम लोग कुछ सीख सके। और हम लोग काफ़ी, हम लोग जिस दिन म्यूज़ियम जाते थे हम लोग पूरा दिन म्यूज़ियम में रहते थे। अगर आप फोटोग्राफी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको म्यूज़ियम जाना चाहिए और आर्ट गैलरी या फिर आर्ट, जहाँ भी आर्ट चल रहा है आपके सिटी में, आप गूगल करिए, आपको सिटी में मिलेगा और आप वहाँ पर जाइए, काफ़ी अच्छा लगता है लोगों से, नए लोगों से मिलके और नया कुछ तजुर्बा ले सकते हैं। सो गाइस, अब मैं आया हूँ कुछ खाने के लिए और मैं अभी यहाँ पे हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट में, इंडियन श्रीलंकन रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे डोसा भी है, बिंदु वड़ा है, इडली है, तो काफ़ी अच्छी जगह है। मुझे साउथ इंडियन खाना वैसे भी बहुत पसंद है तो अब हम खाएंगे। और साथ में मैं ले रहा हूँ एक बियर जो है लोकल। सो गाइस, मैंने आज ट्रैवल किया है कलून में थोड़ा सा, और मैं आर्ट गैलरी गया था, मैं एक पार्क गया था और मैं क्रिसमस मार्केट से भी हो गया, लेकिन वहाँ पे वीडियो नहीं क्लिक कर पाया और आर्ट में भी ज़्यादा मुझे वीडियो क्लिक करने के लिए नहीं मिला। लेकिन मज़ा काफ़ी आया है, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला था। तो ये वीडियो मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि शाम हो चुकी है और अंधेरा होने वाला है, तो मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। तो हम लोग जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा, या फिर आपको कुछ सजेशन देना हो तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वो बेल आइकन है ना साइड में उसे भी दबा दीजिएगा। चलिए, बाय।